जीवन की आहुति है, रण यज्ञ में जीवन की आहुति, इनको बिना किसी अन्य सपोर्ट के वो सुख मिलेगा जो बड़े बड़े देवताओं को प्राप्त होता है। भगवान के वचन है, युद्ध कर, जीतेगा तो भूमि का राज मिलेगा, अगर मरेगा तो स्वर्ग का राज मिलेगा। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है जो राष्ट्र सेवा के लिए इस रणभूमि में, रण यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देते हैं। ये हमारे पूरे भारत और विश्व के लिए सम्माननीय, पूरे जहां भाई जो जिस देश का राष्ट्र में अपना सैनिक है वो भी तो प्राण छोड़ता है, वो अपने राष्ट्र के लिए छोड़ रहा है, सब वंदनीय है। इनका यह अकाल मृत्यु नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये प्राणों की आहुति है अपने देश रक्षा के लिए। इनको प्रणाम करते हैं, मन से प्रणाम करते हैं। और ये जहां जाते हैं ना, बड़े बड़े साधन करके पहुंचे हुए जो देव कोटि के, वो जो सुख मिलता है वो इनको मिलेगा। ये कोई साधारण नहीं है जीवन, कैसे मान लो विपक्ष से युद्ध करते हुए मारे गए तो अब ये अकाल मृत्यु या दुर्गति, नहीं नहीं नहीं, ये कोई साधारण बात नहीं, ये कोई साधारण बात नहीं। राष्ट्र सेवा कोई राष्ट्र सेवा, हाँ भगवान की सेवा है, ये कोई साधारण नहीं। वो अपने प्राण कितने प्रिय सबको, देखो ना, तभी तो जब कोई आर्मी का आता है ना तो हम विशेष सम्मान उसको करते हैं, जैसे संत का सम्मान करते हैं ऐसे हम राष्ट्र सैनिकों का सम्मान करते हैं। जहाँ खड़े नहीं हो सकते, जहाँ जी नहीं सकते, वहाँ भी वो राष्ट्र सैनिक कष्ट सह करके खड़े हैं कि हमारे राष्ट्र को कहीं किसी तरह का कोई कष्ट पहुँचाने वाला ना इधर से प्रवेश कर जाए। नहीं, उनका जीवन वंदनीय है, पूरा राष्ट्र वंदन करता है। वो तो बहुत ही मंदबुद्धि होंगे जो ऐसा, पूरा राष्ट्र, जब राष्ट्र के बड़े बड़े अधिकारी सर झुका देते हैं उनके आगे तो औरों की तो बात क्या। वो देवलोक को प्राप्त होते हैं, वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, वो पुण्यात्मा कहे जाते हैं। अकाल मृत्यु वाले दुर्गति के प्राप्त, अकाल मृत्यु नहीं है, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो वंदनीय पूजनीय, हमारे वंदनीय पूजनीय, हम उनकी वंदना करते हैं। हम उनके मन से, हम समस्त अपने राष्ट्र के सैनिकों को बहुत प्यार करते हैं। बाहरी प्यार जब दिखाया जाता है तो खवाया पिया जाता है, अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, हम अंदर से जो भी जीवन में भजन साधन जो भी है ये इन्हीं की सेवा के लिए है। जैसे हम समाज सेवा कर रहे हैं तो हमारी समाज को सुरक्षित रखने की वो सेवा कर रहे हैं। समाज सुरक्षित है, चैन से तुम सोते हो और वो जगते हैं, हम जीते हैं और अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी रक्षा करते हैं। ये संत नहीं तो और क्या, ये संत नहीं तो क्या, वही तो संत जो परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसै तेही। हमारे जो शास्त्र कह रहे हैं, जो दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग, दूसरों के हित के लिए तो है, हम सब कौन है, उनके रिश्ते नातेदार थोड़ी हैं, हमारे देशवासी हैं, हमारी रक्षा के लिए उन्होंने प्राण त्याग। सब संतों का आशीर्वाद पहुँचता है वहाँ, और ये जहाँ पहुँचे हैं ना, बड़े बड़े यज्ञ साधन करके तपस्या करके तब स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। ये कोई निंदनीय अकाल मृत्यु ऐसा कोई विचार भी न करे। हाँ, एक संत की समाधि और एक राष्ट्र भक्त की समाधि में कोई अंतर नहीं। जैसे एक संत की समाधि है ऐसे राष्ट्र भक्त की अगर समाधि है तो दोनों में बराबर वैसे ही श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि संत अपने जीवन को समाज सेवा के लिए भजन साधन करके और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत निरामया वाणी से, और वो अपने बल और बुद्धि से अपने प्राणों को समर्पित करके समाज को सुरक्षित रखते हैं। बात दोनों की एक हुई, एक भजन बल से, एक बौद्धिक और बाहुबल से राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए हैं, तो दोनों की समाधि हमारे लिए बराबर, उनकी अकाल मृत्यु कैसे मानी जा सकती है, उनकी दुर्गति के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता। नहीं, वो कैसे भी भाव से राष्ट्र सेवा में थे, वो स्वर्ग आदि को प्राप्त हो गए। समझ पा रहे आप जी।